अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद अरफात आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं मेमन न्यूज़। इस वक्त मौजूद हूँ शहर कायद के इलाके मोहम्मद अली सोसाइटी पे, जहाँ पे कबाब जीज़ ने एक और इख्तिताम लिया है और आवाम के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। सरप्राइज़ क्या है, आइए अंदर चल के देखते हैं। ये एक ऐसी जगह बना दी जहाँ पर लोग डर के साथ साथ खा भी रहे हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि इतनी नन खड़ी भी हैं और इस तरह के बहुत से कैरेक्टर्स हॉरर कैफे के अंदर मौजूद हैं। आइए चल के अंदर देखते हैं कि कितनी वेटिंग लगी हुई है और लोग सिर्फ डर के जा रहे हैं या खा के भी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, इस वक्त हम मौजूद हैं कबाब चीज़ के हॉरर कैफे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा और फूड क्वालिटी क्या है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, फूड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे घूम रहे हैं, तो सबसे खतरनाक कैरेक्टर कौन सा था? दनान वाला बहुत स्केरी है। कैसा लगता है कि इस तरह के और कैफेज होने चाहिए कराची में? नहीं जी, क्योंकि कराची में और अच्छी जगह नहीं है, तो ये एक अच्छी जगह है। टूरिस्ट के लिए भी ये बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, इस वक्त हम मौजूद हैं कबाब चीज़ के हॉरर कैफे में और यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स घूम भी रहे हैं, लोगों को डरा भी रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा और फूड क्वालिटी कैसी थी? बहुत बहुत मज़ा आया और अभी फूड तो अभी ट्राई करेंगे, हमने किया नहीं है, लेकिन बाकी सब माहौल बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस वक्त मौजूद है कबाब चीज़ के हॉरर कैफे में, तो सर एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा है, वंस अ विजिट तो करना चाहिए हर एक को। हॉरर एक वन टाइम विजिट ही है। वन टाइम विजिट क्यों है? बच्चे ज़्यादा डर रहे हैं या एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है? बच्चे भी ज़्यादा डर रहे हैं एंड बेसिकली यू कांट हैव फूड इन द डार्क, इतने अंधेरे में आपको पता भी नहीं है आपकी प्लेट पे आगे क्या पड़ा हुआ है, तो थोड़ा वो इशू है। ठीक है। अच्छा, बताइए कि फूड क्वालिटी कैसी थी? फूड क्वालिटी वॉज फाइन, अगेन मुझे पता नहीं चला कि आगे क्या पड़ा हुआ है अंधेरे में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा कबाब चीज़ हॉरर कैफे का? बहुत अच्छा, बहुत खाना कैसा था? और ये माशाल्लाह से हमारे अकाम में एक बहुत खूबसूरत सा भूत खड़ा है, तो कैसा रहा? ये बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया, ऐसे कभी हमने कभी देखा ही नहीं कराची के अंदर, यहाँ आए हम, बड़ी इन्जॉयमेंट हुई, बहुत मज़ा आया। अच्छा, ये बताएं कि मतलब जो फैमिलीज़ हैं वो डर रही हैं या वाकई खाना खा के जा रही हैं, एंटरटेन होके जा रही हैं? डर भी रही हैं कुछ लोग, डर भी रहे हैं कुछ लोग, इन्जॉयमेंट भी ले रहे हैं। इस तरह के और कैफेज़ कराची के अंदर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इंशाल्लाह होने चाहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस वक्त हम मौजूद हैं कबाब चीज़ के हॉरर कैफे में। सर, एक्सपीरियंस कैसा रहा और खाना कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज़बरदस्त है, खाना भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, सबसे बड़ी बात इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। सर्विस अच्छी। क्या लगता है सर, फैमिलीज के साथ आने का माहौल है? हाँ बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए। कि इस तरह की और कैफेज कराची के अंदर खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए? बिल्कुल खुलने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, हमने भी देखा कि आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे कबाब चीज़ के हॉरर कैफे में, सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। ये बताएं एक्सपीरियंस कैसा रहा और खाना कैसा था? आई माइट से इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा खाना था, और मैंने अपना बर्थडे भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया है, सो गुड, आई जस्ट लव्ड इट। दिस कैरेक्टर इज वेरी हॉरिबल। आई थिंक सो, आई डोंट नो द नेम्स एग्जैक्टली। व्हाट अबाउट द नन? She was the most horrible one. Okay. Thank you so much and once again happy birthday. Thank you. नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं रेस्टोरेंट मैनेजर खुर्रम बाबर साहब और कबाब चीज़ के हॉरर कैफ़े को यही हैंडल कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का पूरा मैनेजमेंट, खाने में कैसी क्वालिटी देनी है कैसी नहीं देनी यही मैनेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। खुर्रम, इतने खौफनाक बंदे खड़े किए हुए हैं कि इंसान आते ही डर जाए, तो ये थाट कैसे आया? ये हमारे जो बॉस हैं कबाब जी के ओनर इमरान शेख साहब, ये उनका आइडिया है। ये वो बाहर गए थे विजिट पे कहीं, तो उन्होंने ऐसे कैफ़े में डिनर किया था, तो वहीं उन्होंने सोच लिया था कि ये चीज़ अब पाकिस्तान में होनी चाहिए, फिर वो यहाँ आए, इस पर वर्किंग करी और आपके सामने जुड़ लें। गुरु ये बताएं कि फैमिलीज़ आ रही है माशाल्लाह से, रश ही रश लगा हुआ है, कोई सैटरडे नहीं देख रहा, कोई मंडे नहीं देख रहा, प्रॉपर रश है, फैमिलीज़ के साथ बच्चे भी आ रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, क्या वाकई लोग डर के जा रहे हैं या खा के भी जा रहे हैं? सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हर दिन यहाँ पर वीकेंड बना हुआ है। दूसरी बात ये कि सर लोग इंजॉय कर रहे हैं, डर भी रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ अलार्म सिस्टम है, जब फर्स्ट अलार्म हमारे पास बजता है तो फिर स्मोक निकलता है, फिर हॉरर सॉन्ग चलता है तो ये डराने लगते हैं, फिर 7-8 मिनट में आते दोबारा अलार्म बजता है, फिर म्यूज़िक चलता है तो ये हंसाने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, तो इसको लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं।
अच्छा, फूड क्वालिटी क्या रखी है? वही कबाब जिसका जो क्वालिटी मेयार है वही बरकरार रखा हुआ है या यहाँ पे कोई चेंजिंग है? बिल्कुल, मेयार जो कबाब जी का है वही रखा हुआ है, वही क्वालिटी वही क्वांटिटी सेम वही है। अच्छा खुर्रम, ये बताएं कि कबाब जीज हॉरर कैफे को किस तरीके से मैनेज किया गया है, क्योंकि अक्सर फैमिलीज, मैंने अभी देखा भी कि कुछ लोग डर के भी जा रहे थे, तो उनको किस तरीके से मैनेज करें? सर, हमारे पास जो फर्स्ट है वो फुल टाइम हॉरर है, सेकंड नॉर्मल है, और थर्ड जो है वो बिल्कुल प्लेन सिंपल है। मतलब जो नहीं चाहते कि करेक्टर नहीं आए, ऐसी चीज़ें ना आए जो ये हरकतें कर रहे हैं, तो उनको हम थर्ड फ्लोर पर बिठाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश पूरी होती है कोई जाए नट। ठीक है। अच्छा, कबाब चीज हॉरर कैफे की और ब्रांचेज भी खुलने वाली हैं या बस एक पे ही मुतहद है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, इसका रिजल्ट आपको 4-5 महीने बाद दिख जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये था कबाब चीज़ का हॉरर कैफे, जहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट के साथ साथ खाना भी मज़ेदार तरीके से खा रहे हैं, लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। इस कबाब चीज़ को 3 फ्लोर में डिवाइड किया गया है। पहला फ्लोर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉरर है, दूसरा नॉर्मल है, और जो तीसरा है वो फैमिलीज के लिए रखा गया है, जो फैमिली और वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं उनके लिए। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, देखते रहिए मेमन न्यूज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओह।